हमने आज मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हम कांग्रेस के 22 विधायक हैं, हमें जो है माकपा के श्री राकेश सिंघा जी का समर्थन और ये 23 लोगों का जो है सिग्नेचर है और 1/3 एमएलए चाहिए थे ये अविश्वास प्रस्ताव मूव करने के लिए। हमारा नंबर पूरा है और इसके बावजूद जो है मोशन रिजेक्ट किया जा रहा है और जो है टोटल टोटलिटी के आधार पे, क्योंकि ये सरकार क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, ये सरकार जो है अथॉरिटी खो चुकी है, प्रदेश की जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अभी 4 इलेक्शन होके हटे, 4 के 4 में ये हारे हैं, मुख्यमंत्री अपने घर में हारे हैं, जो बार बार कहते थे कि मंडी हमारी है, लोगों ने कह दिया मंडी तमाम जनता की है और वहां भी ये चुनाव हारे हैं। प्रदेश के अलग अलग कोनों में चुनाव हुए, चाहे वो एक शिमला में हुआ, चाहे वो दूसरा जो है कांगड़ा में हुआ, तीसरा सोलन में हुआ, चारों तरफ इनकी हार हुई है, पराजय हुई है और जनता ने इनको रिजेक्ट किया है। तो इसलिए इस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं रहा सत्ता में बने रहने का, मुख्यमंत्री जी को और इनकी कैबिनेट को जो है पदों पे रहने का अधिकार नहीं रहा। लेकिन ये चर्चा नहीं चाहते, हम चाहते थे लंबी डिस्कशन हो, जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा की जाए। और ये मुद्दे आपने देखा कि इस चुनाव के बाद 12 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ, 17 रुपए जो है डीजल सस्ता हुआ और इसके बाद जो है किसानों के खिलाफ जो बिल थे वो वापस लिए गए और यहाँ कर्मचारियों से जिस सरकार ने 4 साल तक बात नहीं की उस सरकार ने जो है जेसीसी बुलाई, जेसीसी बुलाने के बाद कर्मचारियों को जो है पंजाब वेतनमान देने की बात की, अभी भी आउटसोर्स के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है, करुणा मुलक वालों का कुछ नहीं किया जा रहा है, पुलिस वालों को जो है इन्होंने किस ढंग से उत्पीड़ित किया है, उनके परिवारजनों के खिलाफ मुकदमे किए हैं, उनकी विसंगतियां इन्होंने कतई भी दूर नहीं की है। इस सरकार ने अपने शासनकाल में कर्जों की जो है इतनी अंबार लगा दिया है, भारी भरकम कर्जे ले रहे हैं जबकि डबल इंजन की सरकार कह रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ इन्होंने नहीं किया और उसके बाद जो है जिस तरीके से ना कोई आय का संसाधन बढ़ाया गया, ना कोई जो है खर्चों में कटौती की गई, कोई रेल लाइन नहीं बनाई गई, कोई हवाई पट्टी नहीं बनाई गई, 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाने की बात करते थे, कोई नेशनल हाईवे नहीं बनाया गया। ये सारा हिसाब किताब आपने देखा, 4 लेन्स की बातें आती थी, किसी को जो है 4 गुना मुआवजा जमीन का नहीं दिया। ये स्थितियां जब पैदा हो गई, सरकार जब पूरी तरह नाकाम हो गई, तो हम जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे और हमारे जो है नंबर पूरा था, इसके बावजूद मोशन रिजेक्ट किया जा रहा है, इसका हमने विरोध किया। और सरकार जो है हम 21 से 22 हो गए, अभी हमने तीन एमएलए हमारे ऐड हुए हैं और उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जो है हमारा सदस्य गया है, तो इसलिए पूर्ण संख्या थी इसकी नो कॉन्फिडेंस की। इसके बावजूद इस सरकार ने चर्चा नहीं की, ये सरकार चर्चा से भाग रही है। मुख्यमंत्री अब जो है 2 दिन सदन में आएंगे, 3 दिन के लिए फिर भाग जाएंगे, बाहर धरनेबाजी हो रही है, आप देख रहे हो अराजकता फैली है। एमएलए को विधानसभा तक पहुंचाने में भी ये सरकार सफल नहीं हुई है। आज जो है सबके सब एमएलए जो है विधानसभा लेट पहुंचे हैं, कोई बंदोबस्त नहीं है, हर तरफ अराजकता का माहौल है। सर, अब तो, आप क्या जो है दोबारा वापस आएंगे सदन में, क्या रणनीति है? देखिए, हमने इनको कहा था कि आप सरकार नाकाम है, आप इस पे चर्चा करें, लेकिन सरकार चर्चा से भाग गई। हम जो है हमने जो है सारी बातें जो है आपके सामने में रख दी है, हम सदन के अंदर भी हमने सारी बातें रखी हैं और हमारा विरोध इस सरकार के खिलाफ चलता रहेगा, लेकिन जनता के मुद्दे हम उठाते रहे। नहीं, हम सदन में आएंगे, सदन हमेशा इसकी स्पिरिट ये है, सदन विपक्ष से चलता है और विपक्ष की सुनवाई होनी चाहिए थी। स्पीकर साहब ने कहा कि मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग देनी शुरू कर दी और जो है